नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेडबुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 25 जुलाई के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहने चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे मार्केट ने अपने लिए कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है। बट उससे पहले देखते हैं फ्राइडे को मार्केट ने कहाँ पे कामकाज किया। दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट ने पहले तो हमें एक गैप अप ओपनिंग दी तकरीबन इस लेवल के आसपास 36,350 लेवल के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने हमें एक गैप अप ओपनिंग दी। ओपन होते ही दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर यहाँ अपने डे का लो लगा दिया 36,286। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने पहले ही तीन कैंडल्स के अंदर 36,650 का लेवल 15 मिनट में यहाँ पर 300 पॉइंट हमें ऊपर की तरफ दिखाया अपने दिन के लो पे। ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ओपनिंग थी। इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली, वापस यहाँ काफी देर एक साइडवेज जोन क्रिएट किए। देखिए आप देख सकते हैं ये अपने लिए एक साइडवेज जोन क्रिएट की, फिर इस साइडवेज जोन का जब ब्रेकआउट हुआ तब हमें फिर से मार्केट ने बहुत जबरदस्त पॉइंट दिए। दिन का यहां पर 36,750 का लेवल भी मार्केट ने यहां पर छू लिया। इसके बाद फिर से एक हल्का पुल बैक लेते हुए मार्केट दिन के हाई की तरफ 36,823 वहां तक चल पड़ी। क्लोजिंग हमने यहाँ पर 36,738 इस लेवल पर दी है। 36,738 इस लेवल पर हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? देखिए दोस्तों, कल मार्केट के अंदर जो ग्लोबल सिनेरियो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब गैप डाउन ओपनिंग मिलने का मतलब ये है कि यहाँ हम बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 36,550 इस लेवल को देख सकते हैं गैप डाउन के अंदर 36,550। अब हमारा कल का स्ट्रैटेजी क्या होगा? स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेशंस हैं। जो रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है वो है रिलायंस के रिजल्ट्स, जिसका जो निफ्टी में एक हैवी वेट है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको रिलायंस में और बाकी निफ्टी फिफ्टी में गैप डाउन मिलेगा और उसका मिला जुला असर आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अब मंडे की स्ट्रैटेजी में हम कैसे काम करें? मंडे को मार्केट अगर 36,534 मतलब गैप डाउन होने के बाद अगर 36,534 यहाँ पे कहीं 36,534 इसके अगर नीचे जाती है तो डेफिनेटली फिर हम एक जरूर पुट की पोजीशन बनाने के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। फिर हम वेट नहीं करेंगे और जो आपके यहाँ पर टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी में, वो पहला टारगेट आपका नीचे की तरफ 36,475, सिर्फ 75 पॉइंट का टारगेट बता रहा हूँ मैं, और दूसरा 36,425। बस ये दो छोटे टारगेट्स हैं वो आपने पकड़ने हैं, क्योंकि आपको याद होगा मार्केट ने इसी जोन के अंदर इसी जोन में यहाँ पर कंसोलिडेशन की थी। तो इसको इस लेवल को, और ये लेवल अगर आप देखेंगे ये वही लेवल है जहां पे मार्केट ने गैप डाउन देना है, तो इस लेवल को अगर तोड़ता है तो वो 36,475 और 36,425 के लेवल तक जा सकता है। कॉल की पोजीशन में मैं तब बैठूंगा अगर मार्केट आपको ये लेवल, ये 36,625 इस लेवल के ऊपर वापस मार्केट जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन देखने के लिए बैठ सकते हैं। बट अगर इस लेवल को मार्केट नहीं क्रॉस करती तो फिर तब तक हम कॉल को अवॉइड करेंगे। टारगेट्स आपके ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में पहला टारगेट रहेगा 36,600
80 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 36,740 का। ये दो टारगेट्स आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो अगर मार्केट 36,625 के ऊपर निकलती है तो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो कि अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप उसे मिस ना कर सकें। लाइव स्ट्रीम को देखते रहे क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स मार्क करके देता हूँ ड्यूरिंग मार्केट, और आप उसका आपको काफी फायदा उठाते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।